हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पांडास का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो रॉस और कॉलम्स को ग्रुप करके हमें एक प्रॉपर रिजल्ट हमें शो करता है, जो हमें डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है, यूजफुल होता है वो चीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पांडास को इम्पोर्ट करवा देता हूँ, और उसके बाद हम अपना डाटा यूज करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स का डॉट रीड csv, और उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स रिजल्ट्स को पास करवा देता हूँ, और इसकी टॉप की 5 रोज को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप बाय की इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ डाटा डॉट ग्रुप बाय, और इसके अंदर पास करवाता हूँ कोई एक कॉलम। मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स यहाँ पे दे देता हूँ, और इसको यहाँ पे पास करवाता हूँ और बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स के थ्रू मुझे ग्रुप बाय करके दो पूरे डाटा का काउंट। अब इसने हमें रिजल्ट जो शो किया है, इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे आपके सामने बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स का वैल्यू काउंट्स यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए, अब इसने हमें ये क्या प्रिंट करके शो किया है। अब ग्रुप बाय करता ये है कि जितने भी एक जैसी रिडंडेंट उसकी वैल्यूज होती हैं, उन सारी वैल्यूज को वो ग्रुप करके सबको वो काउंट कर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट बोला है। काउंट नहीं करता, मैंने यहाँ पे बोला है इसलिए इसने काउंट किया है। अगर मीन बोलूंगा तो वो मीन मुझे निकाल के शो करेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जीरो को कंसिडर करते हैं कि हमारा जो वैल्यू काउंट है बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स का, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज मौजूद है कि भाई जीरो मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट के हैं, दो मार्क्स एक स्टूडेंट के हैं, वैसे ही 10 मार्क्स 21 स्टूडेंट के हैं, 9 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखें कि जीरो मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट का है, मतलब ये एक ही रॉ हुई कि भाई ये जीरो तो एक ही बार आ रहा है ना, क्योंकि वो एक ही स्टूडेंट का है, तो एक ही रॉ हुई। तो भाई ये इसने ग्रुप बाय क्या इसका निकाला है काउंट, कि भाई जो जीरो मार्क्स हैं वो है एक ही स्टूडेंट का, उसका कोड एक है, उसकी डिग्री एक है, उसका नाम एक है, मिड टर्म उसने एक दफा दिया है। अब क्विज और वन में और टू में उसने जीरो जीरो क्यों यहाँ पे शो किया है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो हमारा जीरो वाला है उसमें डाटा क्या एंटर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रहा जीरो। अब यहाँ पे आप देखें कि जो जीरो है उसका स्टूडेंट कोड एक है, डिग्री एक है, उसका नाम एक है, मिड टर्म उसने एक दफा दिया है, और क्विज वन और टू देखें NN यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब नॉट अ नंबर, इसका फुल फॉर्म ये है नॉट अ नंबर, मतलब इसने क्विज वन और क्विज टू अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब एक बात याद रखें कि अटेम्प्ट करना और फेल होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। फेल हम तब होते हैं जब हम उस चीज को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ, इसलिए NN यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू भी इसने सबमिट नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि जीरो के अंदर असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू के अंदर भी यहाँ पे जीरो यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए, ये तो एक रॉ का था कि जीरो यहाँ पे सिर्फ एक दफा आ रहा है। अब हम जिसकी ज्यादा रॉस है हम उसका यहाँ पे देखते हैं, जैसे 7 यहाँ पे 3 दफा आ रहा है, इसका वैल्यू काउंट 3 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 का कैसे इसने शो किया है। तो सबसे पहला 7 तो ये रहा, सही है। अब 7 में हम जब आते हैं तो भाई जाहिर सी बात है 3 यहाँ पे वैल्यू काउंट शो कर रहा है, मतलब 3 स्टूडेंट के मार्क्स 7 आए हुए हैं। तो भाई स्टूडेंट कोड तो जाहिर सी बात है 3 होगा, उसकी डिग्री भी 3 होगी, नाम भी 3 होगा, मिड टर्म उन्होंने सबने दिया हुआ है। हम चेक करते हैं मिड टर्म का कॉलम कौन सा है, मिड टर्म का ये वाला कॉलम है, तो हम देखते हैं जी पहले ने तो दिया हुआ है, दूसरे ने भी दिया हुआ मिड, और तीसरे ने भी मिड दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे इसने 3 काउंट हमें शो किया। यहाँ पे क्विज वन और क्विज टू भी उसने शो इसलिए 3 किए क्योंकि उसने यहाँ पे तीनों स्टूडेंट ने क्विज वन और क्विज टू अटेम्प्ट किए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे 3-3 शो किया हुआ है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट टू के अंदर इसने 2 क्यों शो किया है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पे 7 वाला इसने असाइनमेंट यहाँ पे किया हुआ है,
इस सेवन वाले ने, जो ये वाला स्टूडेंट है, इसने असाइनमेंट टू को नहीं किया हुआ। जो ये वाला कॉलम है, ये देखिए, इसने असाइनमेंट टू अटैम्प ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एन शो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसने काउंट दिया है कितना, टू। तो आप इससे एक बात समझे कि देखिए, जितनी सेवन की रॉस थी उसने इन तीनों को, जैसे समझ ले फॉर एग्जाम्पल ये तीन सेवन की रॉस है, तो इन तीनों को उसने ग्रुप किया, ग्रुप करके एक रॉ बना दी। जैसे समझ ले ये एक रॉ बन चुकी, तो जैसे ये एक रॉ बनेगी इन तीनों को मिलने के बाद, तो इन तीनों रॉ में जितना डाटा होगा उसको वो सम अप करके काउंट करके हमें शो कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसका मीन भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मीन लिखूंगा तो ये सब का इसने मुझे मीन यहाँ पे शो कर दिया। अब इसको और क्लियर समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने सेवन वाला डाटा मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि आपके सामने होगा तो आपको सही से क्लियर होगा। मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे सेवन है मुझे वही वाला डाटा प्रिंट करके शो करो। तो देखें, हमारी बिल्कुल सही थी प्रेडिक्शन के भाई, हमारा तीन जो है रॉ वो सेवन वाली है, जो हमने यहाँ पे ऊपर देखी डाटा के अंदर। अब हम देखते हैं ये मीन कैसे निकाल रहा है। अब सेवन वाले में आते हैं जैसे ही, तो मिड का इसने ये वाला मीन क्यों दिया, क्योंकि जैसे ही ये तीन सेवन एक बना, यहाँ पे एक बना जैसे ही, तो ये तीनों का डाटा जो है वो भी एक बना। तो तीनों जब मिले तो उसका उसने मीन लिया। जैसे मिड, जैसे ही यहाँ पे तीन जो है ये इसका डाटा ये एक बना, तो उसने मिड इसका मीन लिया। तो हम यहाँ पे इसका मीन निकाल के देखते हैं क्या है यहाँ पे वैल्यूज, 20 + 9 + 11। ये तीन वैल्यूज जब एक बनी तो इसका मीन इसने कैसे लिया, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और डिवाइड बाय मैं 3 करवाता हूँ। तो देखिए इसने 13.33 हमें शो किया, जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसने हमें शो किया। वैसे ही क्विज़ 1 में इसने कैसे किया कि इन तीन को इसने मिलाया, डिवाइड बाय 3 किया, इसका मीन लेके हमें यहाँ पे शो कर दिया। वैसे ही इसने यहाँ पे भी शो किया और वैसे ही उसने पूरी रॉ में हमें शो करके दिखा दिया। तो देखिए ग्रुप बाय हमारे लिए कितना यूजफुल है, वो सारी एक जैसी वैल्यूज को ग्रुप करके हमें, हम जो चाहते हैं हमें वो फंक्शन जैसे ही रन करवाएंगे वो हमें शो कर देगा वो रिजल्ट। अब यहाँ पे तो इसने पूरे डाटा का हमें ग्रुप बाय करके शो कर दिया, लेकिन अगर आप चाहें तो एक स्पेसिफिक कॉलम का भी आप ग्रुप बाय देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पूरा मैं यही कोड कॉपी करता हूँ ऊपर से, और आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जो आप जिस कॉलम का चाहते हैं उस कॉलम का आपको यहाँ पे नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे क्विज 2 का प्रिंट करवाता हूँ, तो क्विज 2.mean। अब देखिए इसने जो हमें ये पूरा डाटा शो किया है, ये देखिए क्विज 2 का इसने पूरा ये वाला डाटा हमें शो कर दिया सेपरेटली। अब हम यहाँ पे क्विज 2 का अलग से एक मीन लेके भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विज 2 का मीन यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स के थ्रू। बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स जहाँ पे 7 हो मुझे उसका क्विज 2 का मीन यहाँ पे शो कर दे, डॉट मीन। सही है, तो इसने हमें 5.66 शो किया, जो यहाँ पे बिल्कुल सही इसने हमें यहाँ पे रिजल्ट शो किया हुआ है। आप समझ तो गए होंगे कि जैसे मैं बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स के थ्रू इसको ग्रुप बाय करवा रहा हूँ, तो जैसे 3 7 है तो 3 7 एक जैसे ही बनेगा, ये तीन रॉ जब एक रॉ बनेगी तो जाहिर सी बात है ये जो सारे डाटा हैं वो भी एक बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीन किया हुआ है, तो वैसे ही जैसे क्विज 2 का था, ये जब तीन मिलकर, मैंने यहाँ पे आपको अलग से बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैंने मीन निकाल के ही बता दिया, जैसे हम कैलकुलेटर के अंदर निकालते हैं, ताकि आपको क्लियर हो चीज़, क्योंकि ग्रुप बाय समझना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि पांडास के अंदर ग्रुप बाय हम हर जगह यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस के अंदर तो ग्रुप बाय यूज़ होता ही होता है, क्योंकि प्लॉट्स हम करते हैं, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके अंदर ग्रुप बाय यूज़ होता है डेटा को विजुलाइज करने के लिए। तो आप ग्रुप बाय यहाँ पे बिल्कुल सही से समझिए। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे मीन निकला है वैसे मिनिमम भी निकल जाए, पूरा ये ग्रुप बाय होके क्विज 2 का मैक्सिमम भी निकल जाए, तो उसके लिए आपको अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार ये कोड कॉपी पेस्ट करें और बस यहाँ पे चेंज करते रहें मीन मिनिमम मैक्सिमम, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे पास करवाना होगा, डॉट ग्रुप बाय बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स
मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। सही है। और मुझे क्वेस्ट टू का यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप चाहते हैं कि इसका मीन भी आप चाहते हैं, काउंट भी चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप सारी चीज़ें चाहते हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन को पास करवाना होगा जो है एग्रीगेट का AGG, और उस फंक्शन के अंदर आपको एक लिस्ट पास करवानी होगी जो जो चीज़ें आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कर बोलता हूँ कि भाई मुझे मीन चाहिए, मुझे उसका काउंट चाहिए, मुझे मिनिमम नंबर चाहिए, और मुझे यहाँ पे उसका मैक्स चाहिए। मैं सिंपल जैसे इसको रन करूँगा, देखें इसने मुझे ग्रुप बाय करके हर एक क्वेश्चन टू का मुझे यहाँ पे उसने मिनिमम मैक्सिमम काउंट और मीन शो कर दिया। मीन तो देखिए यही वाला इसने शो किया, काउंट हम ऊपर देख चुके हैं ये वाला। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अलग सेल में इसको रन कर देता हूँ ताकि काउंट भी हमारे सामने शो रहे। तो मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ, और काउंट देखें क्वेश्चन टू का 0111 3 4 10 20, 0111 3 4 10 20। जैसे ऊपर उसने काउंट निकाला था वैसे उसने नीचे अलग से काउंट हमें निकाल के शो कर दिया। वैसे ही उसने मिनिमम निकाला पूरे ग्रुप बाय करके, जैसे 7 था तो 7 जब 1 बना तो उन तीन में से जो मिनिमम सबसे वैल्यू थी वो 5 थी। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इन तीनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5। हम क्विज 2 का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने क्विज 2 का यहाँ पे हम एग्रीगेट निकालना चाह रहे हैं। अब वैसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 6, तो उसने यहाँ पे हमें 6 यहाँ पे शो कर दी। तो उम्मीद है आपको ये ग्रुप बाय का फंक्शन समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, और आप इस कोड के अंदर चेंजेस कर करके आप देखें मैंने बेस्ट ऑफ असाइनमेंट्स का किया है, आप बेस्ट ऑफ क्विजेस का कर लें, जिससे आपको क्या होगा कि आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।